नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। यह है सर्कल का सेकंड पार्ट। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करे हैं, सर्कल की हम लोग टॉपिक उठाए हैं, तो हम लोग चलते हैं अब सेकंड पार्ट पे, जिसमें हम लोग सबसे पहले एक थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बेस जितने भी क्वेश्चन आपके कंप्लीशन एग्जाम्स में आ सकते हैं बेसिक टू एडवांस, उनको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलते हैं सेकेंड थ्योरम पे। हमारी जो सेकेंड थ्योरम है वो है, एक सर्कल है अगर, और ये उसका सपोज सेंटर है, उस पर कोई भी कॉर्ड एक खींचा जाता है, तो इस कॉर्ड का नाम अगर हम ए बी रख देते हैं, इस कॉर्ड से अगर कोई भी एंगल बनेगा इस सर्कमफ्रेंस पे सर्कल के, तो उन दोनों एंगल या जितने भी एंगल बनेंगे उन सारे एंगल की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो मैं फिगर में समझाती हूँ कैसे। जैसे ये कॉर्ड है, इससे एक एंगल ऐसे बना, एक ऐसे बना, एक ऐसे बना, मैं बहुत सारे बना के दिखा रही हूं। ये जितने भी एंगल हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये जितने भी एंगल हैं पी क्यू आर एस टी, इन पॉइंट्स पे ये सारे के सारे निकल कहां से रहे हैं, एक ही कॉर्ड से निकल रहे हैं। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर एक ही कॉर्ड से जितने भी एंगल बनते हैं, इन सारे एंगल की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। यानी अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। इसी में बेस आपके कई क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इस थ्योरम का मतलब है कि एक कॉर्ड पे एक ही डायरेक्शन में, यानी अप डायरेक्शन में है, तो सारे के सारे अप डायरेक्शन वाले ही होंगे। इसके अलावा अगर इस कॉर्ड के इस डायरेक्शन में अगर कोई एंगल होगा तो ये वाले आपस में इक्वल होंगे। ये अगर मैं 6, 7 रखूं और ये 8, तो इस तरह से 6 = 7 = 8, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे और इससे ये अनइक्वल होगा। इसको ऐसा मत कर दीजिएगा कि अगर एग्जाम में ऐसे आए, एक कॉर्ड आपका ऐसे बना दिया जाए एंगल और एक ऐसे बना दिया जाए, तो आप इसका 2 इसका 1, तो 1 = angle 2 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर आपको पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी या ये क्या होगा, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दे रही हूं। ये जो एंगल होगा, अगर ये 40 है तो ये होगा 180 - 40। एक ही कॉर्ड से अगर एक सर्कल है, उसके एक ही कॉर्ड से एक एंगल ऊपर बनता है और एक नीचे, अपोजिट डायरेक्शन, यानी इसका फेस ऊपर है इस एंगल का और इसका फेस नीचे है, तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। किस वजह से, आप आगे पढ़ेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जिनकी 4 साइड्स आपके सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे टच करती हैं, तो उनकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी ये आपस में और ये, इन दोनों का एंगल होता है 180 डिग्री इनका सम। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू a होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 - a। तो चलिए इस थ्योरम पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, तो ये देखिए, एक कॉर्ड है BC और इस पे एक एंगल बन रहा है A और एक एंगल बन रहा है D, और आपसे पूछ रहे हैं इस एंगल का वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था एक कॉर्ड पे अगर एक ही डायरेक्शन में जितने भी एंगल बनेंगे उन सब की वैल्यू होगी इक्वल। तो यानी अगर एंगल A जो है 35 डिग्री है, तो एंगल D क्या होगा आपका, 35 डिग्री। अब आप इस ट्राइंगल को देखिए, एंगल BCD, अब इसमें आपको एंगल बी की वैल्यू पता है 70, एंगल डी की वैल्यू पता है 35, तो एंगल सी क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 180 - 70 + 35, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 180 - 105, यानी 75 डिग्री आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन में ये देखिए, ओ जो है आपका सेंटर है, ठीक है, अगर ये सेंटर है तो आप देखिए, ये OC और OA, OB ये क्या होंगे, रेडियस होंगे, और इन सब की वैल्यू होगी इक्वल। और इसका कैसे यूज होगा यहाँ पे फाइंड करने में, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है AOC की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू 120 डिग्री, आपके COB की वैल्यू दी है 90 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री दी है और इन्होंने पूछ लिया है कि एंगल ACO प्लस एंगल BCO इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का एंगल सम करने के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखिए, ये जो मैं आपको बताई हूं कि ये रेडियस है, इससे क्या होगा कि अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे COA, तो ये क्या बन गया, आइसोसेलेस
ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की दोनों साइड इक्वल है, तो यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो 180 डिग्री बहुत यूज होता है ट्राइंगल का। तो ये एंगल अगर 120 डिग्री है तो बाकी इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री और 30 डिग्री। अब इस ट्राइंगल को देखिए, ये एंगल आपका 90 डिग्री, दोनों साइड इक्वल, दोनों एंगल इक्वल, तो 90 है तो ये कितने होंगे सम 90, और हाफ कितना होगा 45। अब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी 75 डिग्री इज द आंसर। अब चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे 8, यहाँ पे मैंने स्पेशली आपको समझाया है कि ये जो O है ये सेंटर नहीं है, आपको हमेशा ये नहीं सोचना है कि ये सेंटर पे ही कटेगा, यहाँ पे भी ये सेंटर नहीं था, सेंटर यहाँ था O, ठीक है। हम लोग जब कॉर्ड पॉलीथर्म की बात करते हैं तो कॉर्ड कहीं भी बन जाता है, उससे सेंटर से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक कॉर्ड, यहाँ पे कॉर्ड दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, एक बीसी से ए जा रहा है और बीसी से डी जा रहा है, यानी ये एंगल इक्वल होंगे 65 65। हमें फाइंड क्या करना है, ये एंगल एक्स, इसको फाइंड कैसे करेंगे आप। अब ये एंगल पता चल गया है, ये एंगल फाइंड होना चाहिए, ये दिया है 75, तो आपको पता होगा कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। इसकी एक वीडियो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसमें प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, एसएससी वाली में, उसमें मैंने बना रखा है लाइंस वाले जो पूरी सीरीज है उसमें मैंने सारे समझा रखे हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। 75 है ये, तो ये भी हो जाएगा आपका 75, 75 प्लस 65 आपका कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 140, तो अगेन ये एंगल आपका हो जाएगा 40 डिग्री, किस बेस पे, 180 माइनस 75 प्लस 65। अब चलते हैं 9th। अब इसमें देखिए आपको मैंने एक थ्योरम बताई थी कि जो स्क्वाड होता है उसकी सेम डायरेक्शन में ही एंगल इक्वल होंगे, उसके अपोजिट वाले क्या हो जाएंगे 180 माइनस। अब देखिए यहां पे आपको एक एंगल दिया है 80 डिग्री और पूछ रहा है कि x की वैल्यू भी बताइए और y की भी वैल्यू बताइए। अब यहाँ पे वही यूज होगा, देखिए अगर ये कॉर्ड हम बना लें, चाहे मत बनाइए आपकी मर्जी है, यहाँ पे भी आपकी मर्जी थी, बनाएं चाहे ना बनाएं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एसी कॉर्ड है, एसी कॉर्ड से ये 80 डिग्री बना है, तो इसी डायरेक्शन में आप देखिए, अब डायरेक्शन में ये एंगल कितना होगा 80 डिग्री, इसका आंसर आ गया। अब आपको यहाँ फाइंड करना है x, तो x क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन, देखिए एरो की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये x क्या होगा, ये होगा 180 माइनस 80 डिग्री यानी 100 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। तो इस तरह से आपके चारों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, यही थे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।